नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज? जैसे ये हमारा क्या है, एक प्रोजेक्टाइल का ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये हमारा वाई डायरेक्शन। वाई का मतलब क्या, वर्टिकल, और एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल। जब किसी प्रोजेक्टाइल को क्या किए, यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल पे, तो कैसे जाएगा, इसे करके उड़ेगा, इसे करके यहाँ पहुंचेगा। तो इसका ये क्या कहलाता था, यहां से यहां तक के हाइट को इसका मैक्सिमम हाइट कहते थे। और जहां तक पहुंचा, तुम्हारा नेटवर्क कितना दूर तक का है, ये तुम्हारा रेंज है। रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन सा, एक कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा और दूसरा यू कॉस थीटा, जानते हैं। अब यहां से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा की वेलोसिटी है। यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगा, ये हमको पता है, इसे पहले ना टाइम निकाले थे, यहां से बहादुर ऊपर गया फिर यहां से यहां आया, तो टोटल टाइम कितना लगता है, या उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हमको वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हम लोग टाइम कितना होता है जी, यही होता है। अब हमको टाइम पता है, इस साइड की क्या है वेलोसिटी पता है, यू साइन थीटा से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको ये आर निकालना हो, मतलब क्या निकालना हो, डिस्टेंस। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू बाई टाइम। यदि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितने का, आर का। वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, और टाइम कितना, टू यू साइन थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये क्या हो गया, इसका रेंज। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, कैसे आया समझ में आया, चलिए अब इसको और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, चलो इसको और लिखना चाहेंगे तो इस वाले को हम ऐसा लिखा जा सकता है, देखो यहां से गौर करोगे, इसको लिख सकते हैं टू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना जी। U sin theta क्या होता है, U sin theta हमारा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, और U cos theta हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको लिख सकते हैं 2 ux uy डिवाइडेड बाय g। इसको हम लिख सकते थे ना ux, और इसको क्या लिख सकते थे uy। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है 2 ux uy बाय g। अब केस फर्स्ट की बात करें तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिलेगा, ये हमारा फॉर्मूला भी जस्ट देखें, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। साइन टू थीटा की मैक्सिमम कब होती है, या साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 हो, ठीक है। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 हमारा, जब टू थीटा कितना के बराबर हो जाए, टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तब थीटा 45 पे हमको ये मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम कितना होगा, ये बेचारा बन गया 1, तो बच गया क्या, यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज के लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी, और थीटा कितना होना चाहिए, मतलब हमको इसका रेंज ज्यादा रखना है, एकदम ज्यादा दूर तक पहुंचाना है, ठीक है। यदि किसी ढेले को फेंकते हो तो चाहते हो ज्यादा दूर तक जाए, तो उसके लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, इस थीटा की वैल्यू को 45, ओके, तब ये क्या होगा, अपने सबसे ज्यादा रेंज को पकड़ेगा। यदि 45 से कम रखोगे या उससे ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, रेंज कम होगा। समझ रहे हैं भावनाओं को, वेलोसिटी सेम रखें तो क्या समझा, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बॉडी प्रोजेक्टेड कितने एंगल पे, 45 डिग्री, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब 45 तो वर्टिकल के साथ भी करेंगे तो भी एक ही बात, रिलेशन निकालना है, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट मतलब हमको किससे निकालना है, हाइट और आर, हाइट का कितना
यू स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय कितना यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जी से जी। अब इसमें से यदि हम काटना चाहते तो और भी काट सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा नीचे टू था तो ये आ जाएगा यहाँ टू, ये वाला टू नीचे आएगा। अब इसको स्क्वायर से साइन कट गया, ये बचा क्या वन बाई फोर इंटू क्या साइन बाई कॉस टेन थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच बाई आर इज इक्वल टू कितना टेन थीटा बाई फोर। तो और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक तो है। जो केस हमारा क्या कह रहा है कि हमारा क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज क्या है, आर इज एन टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। रेंज हमारा कितना है एन टाइम्स है किसके मैक्सिमम हाइट के, तो उस समय हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा रेंज एन टाइम्स है किसके मैक्सिमम हाइट के, रेंज का हम लोग जानते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, अभी जस्ट निकाले। और हाइट के लिए क्या जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, अब इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई एन। देखो कैसे कैसे कटेगा, यहाँ से यू स्क्वायर साफ कटेगा, जी से जी साफ। अब यहाँ क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है टू थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कुछ है नहीं, इस साइड क्या हो गया एन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये साइन साफ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ चलो यहाँ टू बचा हुआ था, ये टू इस साइड आ गया तो क्या लिख सकते हैं फोर, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो n इंटू टेन थीटा, कॉस नीचे जाएगा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फोर बाई एन, यही तो लिखा गया है टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई एन। तो हमारा क्या होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू टेन वर्स फोर बाई एन। क्या रहा है हमारा, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज कहाँ से थीटा से, 90 माइनस थीटा कर दिया जाए ठीक है, तो हमारा रिमेंस अनचेंज रहेगा। मतलब क्या रिमेंस अनचेंज रहेगा, उसका टारगेट मतलब देख रहे हो यहां से चला हमारा ठीक है, कहां पहुंचा यहां से हमारा प्रोजेक्टाइल चला, जब इतना एंगल था 30 डिग्री एंगल था तो पहुंचा कहां इस जगह पे, इसका रेंज क्या है ये है, ये इसका रेंज हुआ ओके। लेकिन जब हम 90 माइनस थीटा किए, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या, ये थीटा पहले कितना था 30, थीटा पहले क्या था 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या 90 माइनस 30 बराबर कितना 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पर जब हम प्रोजेक्ट किए तो भी हमारा रेंज क्या मिलेगा सेम मिलेगा, इसी चीज को ये कह रहा है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब यदि हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज यू स्क्वायर साइन बाई जी, अब एक बार हम किसको पुट किए तो 30 को पुट करते हैं, 30 पुट करेंगे क्या होगा इसका कहानी यू स्क्वायर साइन कितना 60 डिवाइडेड बाई जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू कितनी रूट थ्री बाई, इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू जी लिखा जा सकता है। अब यदि हम काम के किसके ऊपर 60 डिग्री ऊपर, तो 60 डिग्री के ऊपर हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाय कितना जी, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है साइन 120 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, और साइन हमारा 120 का पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव कॉस 30, या कॉस 30 की वैल्यू कितनी, तो ये हो जाएगा हमारा रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू जी। तो दोनों केस में हमारा 60 पे गए तो, और कितने पे 30 डिग्री पे गए तो हमारा क्या मिला, दोनों का रेंज सेम है। तो कह सकते हैं यदि हमारा कितना हो थीटा हो एंगल या 90 माइनस थीटा हो तो हमारा रेंज क्या होगा,
सेम होगा, या दूसरे लाइन में ये भी क्या सकते थे, जस्ट नेक्स्ट लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल यदि वर्टिकल के साथ बना ले क्या हो, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है हमारा, सेम एंगल हमारे यदि वर्टिकल के साथ बना ले तो भी रेंज क्या होगा, सेम। अभी देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री, तो यहाँ भी वर्टिकल साथ कितना डिग्री का एंगल है, 30 ही है ना, तो हमारा रेंज क्या है, सेम है। अभी जस्ट देखे हैं क्या चीज, यदि हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ सेम एंगल पे किसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, अभी जस्ट देखे ना, तो कहाँ होगा उसका रेंज, सेम होगा। चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा प्रोजेक्ट करो या वर्टिकल के साथ थीटा प्रोजेक्ट करोगे तो उसका रेंज क्या होगा, दोनों बहादुर क्या होगा, एक ही जगह की गिरेगा। तो ये फिगर ज्यादा अच्छा है, ये 15 डिग्री पे ऐसे प्रोजेक्ट करो, या कितने पे ये प्रोजेक्ट होगा, 75 पे, हॉरिजॉन्टल के साथ 75 पे करो, या किसके साथ, हॉरिजॉन्टल 15 डिग्री पे करो, तो क्या होगा बहादुर, उसका रेंज सेम होगा, उसी 15 और 30 डिग्री पे सेम कैसे होता, 15 पे हमारा ये गया, ठीक है, ये कितने पे जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 पे, या क्या होते वर्टिकल साथ 30 पे, या हॉरिजॉन्टल के साथ 60 पे, तो 60 पे कौन जा रहा है, ये वाला जाएगा बहादुर, ये सारे सारे एंगल किसके साथ दिए जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी तरह हमारा 45 पे हॉरिजॉन्टल के साथ जाए या वर्टिकल के साथ जाए सेम ही पहुंचेगा, और 45 पे याद है कि हमारा रेंज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यदि इसको कितने में फेंका गया, 30 पे, और दूसरा किसको फेंका गया है, 60 पे, हम जस्ट पॉइंट से थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पे किसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसका रेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पढ़े जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं सब कुछ कर सकते हैं। अब फॉर आर मैक्सिमम के लिए क्या होता है, आर मैक्सिमम के लिए हमको क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1 होनी चाहिए, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया था यू स्क्वायर बाई जी, यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यू की वैल्यू कितनी, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 40 मीटर हमारा आएगा, 40 मीटर कितना आसान, सी मतलब हमको रेंज के बारे में कहा जा रहा है, कब, जब एक थीटा कितना हो 45 माइनस थीटा, और दूसरा कितना हो 45 प्लस थीटा। रेंज का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई जी, तो आर वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर वन इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा बाई जी, इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी, ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर, हाँ तो कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यदि हम आर टू की बात करें तो आर टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा बाई जी, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, तो हमारा आर वन इतना, आर टू भी सेम, तो आर वन बाई आर टू क्या हो जाएगा, 1:1 लिख सकते हैं इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा, आसान था। अब 95, अब ये कह रहा है हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक हमारा बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में ये क्या है, इसका खिड़की, खिड़की है, खिड़की कितने हाइट पे कह रहा है हमारा, टू ए विंडो ऑफ 19.6, मतलब इसका हाइट कितना है 19.6 मीटर, और ये बिल्डिंग से कितने दूर खड़ा है 39.2, मतलब यहाँ से प्रोजेक्टाइल करना है 39.2 मीटर, यहाँ से प्रोजेक्टाइल गया, ये यहाँ से होते हुए इधर आएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा 39.2, तो इसका हाइट की यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, h इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, h इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट 19.6 मीटर,
और रेंज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 39.2 प्लस 39.2, ये हो गया हमारा 78.4 मीटर। अब हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, क्या चीज प्रूफ किए हम लोग, एच बाई आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 4। यहां से टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 h बाई, यहां करते हैं तो 4 का 4 h का 19.6 डिवाइडेड बाई, ये हमारा हो गया आर कितना 78.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ये हो जाएगा 78.4 × 78.4, ये कट गया बचा 1। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, इसका हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको क्या पता चल चुका है, इसका रेंज हमको पता है, ओके, इसका थीटा पता है, रेंज पता है, थीटा पता है, हमको निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग क्या आर इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर हमको पता है, हमको निकालना क्या, यू निकालना, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर जी बाई साइन 2 थीटा। आर की वैल्यू कितनी 78.4, जी की वैल्यू कितनी 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 45 मतलब 2 थीटा मतलब 90। ये हो गया यू स्क्वायर की वैल्यू आ 78.4 × 9.8। तो यहाँ से यू इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 78.4 × 9.8, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 27.72 मीटर। चलिए शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम कब मिलता था, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मैक्सिमम मिलता था कब, जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा तब। तो हम सिंपल सा रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाता, आर मैक्स की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगी हमारी यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे हमारा एच कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना 2t। अब इसको यदि देखें यू स्क्वायर बाय टी, यू स्क्वायर बाय जी को एक साइड रखते हैं और साइन 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2, मतलब इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1/4। यू स्क्वायर बाई जी क्या निकाले अभी जस्ट, यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू आर मैक्स, तो लिख सकते हैं आर मैक्स बाई 4। तो यहां से हमारा क्या आ गया, एच इज इक्वल्स टू आर मैक्स बाई 4, तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 h। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको पता है आर मैक्सिमम कितना, यू स्क्वायर बाई जी, अभी जस्ट कुछ देर पहले निकाले थे, यहां से आर मैक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 1.6, तो 1.6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 × g, तो जी की वैल्यू फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम 10 यूज करते हैं, तो 1.6 × 10, तो यहां से हो गया 16, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो यू इक्वल्स टू कितना 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या था हमारा स्पीड था। अब ये बोल रहा है कि भैया यू क्या है, यू की यदि हम बात करें, यू किस डायरेक्शन में है, यू हमारा इस डायरेक्शन में है, यू इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में क्या होगा यू साइन थीटा। अब ये कितने डिस्टेंस चलता है, कितने टाइम में बोल रहा है, 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, 10 सेकेंड में ये कितना जाएगा, तो सिंपल सा यदि हमको वेलोसिटी पता है, ओके, और टाइम पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम ये बेचारा इतनी हाइट को कवर कर, मतलब मैक्सिमम रेंज जाने के लिए इसके पास थीटा क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम रेंज के केस में थीटा कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू
45 डिग्री जस्ट अभी बनाए हैं, और हमारा स्टेशन वेलोसिटी कितना है, यू एक्स इक्वल टू कितना, यू कॉस थीटा, मतलब यू कॉस 45 डिग्री, मतलब यू की वैल्यू 4, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, ये हो गया हमारा कितना 2√2। अब हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी कितना 2√2 इंटू टाइम कितना 10 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 20√2 मीटर, 20√2 मीटर।